ਗਾਣਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ ਬੜੀਆ ਬੜੀਆ ਸਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀਆ ਜਵਾਨ ਇਹ ਤੇ ਸੈਡ ਸਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇਸ ਧੁੰਦ ਕੇ ਸਾਥ हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और आज है सैटरडे हो गया है, हम हैं चंडीगढ़ में। तो ये रूम हमने लिया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से एंट्रेंस है, ये है अलमीरा और वॉशरूम वगैरह है। और ये था ऐसे, ये बेड हमने एक एक्स्ट्रा लगवा लिया था क्योंकि हमें सिर्फ रात को ही रुकना था। तो ठीक है, ये काफ़ी अच्छा लगा, होटल जन्नत है ये, मुझे सही लगा। और बड़ी सी विंडो है यहाँ पे पीछे देखने के लिए, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और अभी हम जाएंगे चंडीगढ़ घूमने और उसके बाद निकलेंगे कसौली के लिए। तो फ्रेंड्स, कसौली जाएंगे और सबसे अच्छी बात ये है कि स्नोफॉल दिखा रहा है आज और कल। तो आज तो कसौली रुकेंगे, उसके बाद कल जाएंगे शिमला। अभी तक का यही प्रोग्राम है, तो बाकी देखते हैं। और स्नो मतलब मिल गई तो मज़ा आ जाएगा। और अभी 10 o'clock हो गए हैं, तो निकल रहे हैं चंडीगढ़ घूमने के लिए। और सब जा चुके हैं, आप देख सकते हैं रूम खाली हो गए हैं। तो हमें सिर्फ नाइट स्टे करना था। एक्चुअली हम पहुँचे थे रात को यहाँ पे 1:30 अराउंड, आधा घंटा हमें ये जो नेशनल हाईवे पे है वहीं पे हमने होटल लिया था। तो सारे होटल इतने से थे, मतलब कोई 2000 ले रहा था कुछ ज़्यादा, तो ये 1500 में हमें मिल गया। तो 1 night स्टे के लिए ठीक है, मतलब हमें यही लगता है कि ठीक है, आपके लिए कंफर्टेबल बेड होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो मुझे ये सही लगता है, विद इन अ बजट है, तो 1500 में काफ़ी अच्छा है। और रूम सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी, खाना भी अच्छा है। तो सब कुछ हो चुका है, वो नीचे वेट कर रहे हैं, अदरवाइज फिर फ़ोन आने लग जाएगा। तो मैं जा रही हूँ और आप लोगों को घुमाऊँगी अपने साथ, तो बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। और मैंने जो नीचे वॉर्म मैं लेगिंग पहनती, मैं वही लेके आई थी क्योंकि मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। नीचे है एक स्वेटर और ऊपर है ये कोट, तो फिलहाल के लिए यही मेरा आउटफिट है। और ये मैं मफलर लूँगी बाद में जब बाहर घूमने जाएंगे, तो फिलहाल यही है मेरा आउटफिट। और बाहर बहुत ठंड है, तो बाकी देखते हैं कि कैसे क्या रहता है। और कैप वगैरह सब मैंने ले लिया है,
और शूज़ भी मैंने ये वाले ही लिए हैं जो मैं नॉर्मली घर पे पहनती हूँ, जो मैंने लिए थे आजियो के, कि ये वॉर्म है और ये बहुत मतलब आराम से निकल जाता है, पहने जाता है, तो मुझे थोड़ी सी कंफर्टेबल चीज़ें चाहिए होती है, इसलिए मैं ये ही उठा लाई। और लास्ट मोमेंट पे हमारी तैयारी हुई थी तो जो भी हाथ लगा वही आ गया है, तो ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कुछ स्पेशल लिया है मैंने, जो भी मिला बस रख लिया है। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जो कपड़े लेके आई हूँ, कोट वगैरह, सब सर्दियों के लेके आई हूँ और अब यहाँ पे बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। फिर से ऐसा लग रहा है जैसे हमारे साथ उदयपुर में हुआ था कि हम इतने बड़े भारी जो बैग है वो पैक करके लेके गए थे, और मैंने कोट वोट पहना, और नीचे पहनने के लिए मैं बस ये वाली ले आई थी जो स्वेटर है ये जो घर पे पहनती हूँ, मुझे लगा ऊपर कोट पहनना है तो नीचे कुछ भी चल जाएगा, बट अब बस बारिश हो या बर्फ गिरे तो मेरे कोट काम आएंगे, अदरवाइज तो फिर मुझे इन्हीं में घूमना पड़ेगा। विनोद तो गर्मी नहीं लग रही जैकेट में, विनोद भी जैकेट पहन ही बैठा, और अमित सही है, अमित के पास कपड़े नहीं थे, लेके नहीं आया था, वो एक ही कपड़े में है, उसको सही लग रहा है अभी, और हम इतना सारा ले गए हैं, और नीरव ने भी जैकेट निकाल दिया, ठंड है नीरव। ले भाई आ गया मेरा गोल्फ कोर्स रोड तो आ गया। हेलो, हाँ जी सर, फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं सुखना लेक, और हमारे जवान आगे हैं, बूढ़े पीछे हैं, तो चलिए देखते हैं कैसा है। और यहाँ पे ठंड हो गई है, अब मेरा कोट काम आ गया, ये विनोद की जैकेट भी काम आ गया, अब सबने जैकेट डाले, बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। चलो अब करो, चलो भाई भाई लोगो, हेलो, कैमरा बार बार चेंज करना पड़ता है ना हमें। वाओ मजा आ गया, ये काफी अच्छा लग रहा है। ओ ये यार मैं बहुत पहले आई थी, बहुत पहले, सही में यार मस्त यार, दे रही हूँ मेरे पास है शूज, ये वो बिन कहाँ है बेटा, कैसे चल सकता है, इधर हो जाओ, बताओ कैसे परू, हाँ कैसा लग रहा है परू को, परू कैसा लग रहा है परू, अभी एक्सप्रेशन दे रही थी बट कैंसिल, मतलब मैं तब नीरव के साथ लग गई और वो दोनों जा रहे हैं रेस लगाने, तो नीरव ने शर्त लगाई है कि वो भैया को हरा देंगे, और नीरव उसको मतलब मामू नहीं बोलता, भैया ही बोलता है तो नीरव ने बोला है कि मैं भैया को हरा दूंगा, तो वो अभी रेस लगाने गए हैं, और ये बहुत ही अच्छा व्यू है, मस्त एकदम, ऐसा ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो बॉम्बे के है ना, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, और शायद उसी के बेस पे बनाई होगी, वैसे ही उसी थीम पर बनाई है ये, वाह बिठा दो ना इसको, अरे भाई यहाँ बिठा दो, साफ सुथरा है, और बहुत ही मतलब बहुत मजा आ गया, बस बोटिंग करेंगे वो नहीं उधर बोटिंग, कौन आ रहा, आ भागा ही नहीं, नीरव हार गया, और नीरव हार गया, मैं करूंगा, मैं मंटी तुरी बोलूंगा, तब भागो दोनों, हम इंजॉय
एंजॉय भी कर रहे हैं इतना, कोई ना हो जाएगा। चलो बोलो उनको, वन टू चीटिंग चीटिंग चीटिंग, वन टू थ्री भाई कैप ठीक कर दो, ऊपर कर दो थोड़ी सी, हाँ बस दो बार हरा चुका। ये है परी का एक्सप्रेशन, परी पानी में देख के से खुश हो गई। नीरा बस भैया एंजॉय कर लो, परू गिरेगी कैसे गिरेगी, अभी गिर जाते पूछो हम इसे, वो करेंगे वो, इसको भी पत्थरों पे चलने का एक्सपीरियंस है ना। रुक रुक एक मिनट, इसको चलने दे, मैं इसकी एक वीडियो शूट हो जाएगी, चलेगी मान जाओ, गिर जाएंगे इन इन को देख के, डक को देख के गिर जाएंगे। दिखा के लास्ट को मान के दो पकड़ ले, नीरू देखो अमित भैया का हाथ पकड़ के जाओ, चलो मुझे जाओ। कपड़े गीले हो ना, सूखेंगे नहीं है कपड़े, कैसे गीले हो जाएंगे, ये थोड़े स्लीव से ऊपर कर दो ना। नीचे हो गई होगी उधर वाली, कुछ नहीं हुआ, गीली हो गई तो ऊपर करो। हाँ आजा आजा, नीरव बुला रहा है आजा नीरव बुला रहा है, कहाँ जा रही है आजा परु बुलाना, परु बुलाओ बुलाओ, परु तो पानी को बुलाएगी, डको बुलाओ डको तो पानी की आवाज परेशान कर रही है। मूंगफली, ओए होए नहीं छी, वो छिलका है, परी को दिख गई है मूंगफली और इसको चाहिए ये, नो 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 नो, कम कम कम, हाँ मम्मा मम्मा क्या कर रही है, देखो मम्मा क्या कर रही है, मूंगफली का था वो दिख गया छिलका, बैठ गई हुई पर और फ्रेंड्स ये वाली चाय तो मस्ट होती है जब भी आप बाहर जाओ, रेस्टोरेंट या होटल की चाय कितनी भी अच्छी हो बट इसके वाला टेस्ट नहीं आता, और साथ में मुझे चाहिए होते ये फ़ैन, तो चाय और फ़ैन दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मुझे कमेंट करके बताइएगा और किसको इस चाय की रिक्वायरमेंट होती है, और परे भी इंजॉय कर रही है अपना, और नीरव ने किया था वेरी टेस्टी, नो 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 ऐसा क्यों कर रहे हो भाई।
वीडियो बन की पता चल गया आप मेरा काम करना है करना सब कुछ छूट सॉरी साफ सुथरी कर दी आपका शूट है ना बेटा।